गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न अकेडमी। हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट, हेल्दी एंड फाइन। ओके ओके, नाउ वी विल स्टार्ट योर इंग्लिश रीडर बुक। दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक, राजा एंड रानी। So let's start chapter 28. देखिए, इसमें चैप्टर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन उसको मैंने अलग से मेंशन किया हुआ, क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट होता ना कि कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सारे चैप्टर पे उस पर नंबर लिख दिए हैं। तो ये हमारा चैप्टर 28 है। In the garden, INTHE GARDEN, garden. In the garden, इसका मतलब क्या हुआ? Garden में, in मतलब में या अंदर, तो garden के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम लोग reading करने वाले हैं। ये page number आपका है 42, यहाँ लिखा हुआ page number 42, चैप्टर नेम इन द गार्डन। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। जब हम खाली फ्लावर कहते हैं तो उसका मतलब होता है एक फूल। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे हैं फ्लावर्स हैं, तो सब इसमें जो है हमारा इसके आगे एस लग जाता है, ये हो जाता है फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। फ्लावर मीन्स एक फूल, फ्लावर्स मीन्स बहुत सारे फूल। SUNFLOWER, सन फ्लावर। सन फ्लावर, सन मीन्स सूरज, फ्लावर मीन्स फूल, यानी सूरज का फूल या फिर सूरजमुखी। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। सन, इसको सूरजमुखी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरफ सन होता है, जिस तरफ निकलता है इसका फ्लावर का फेस, उस साइड में हो जाता है। लाइक दिस, जैसे हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, कोई भी कुछ भी है, जैसे फ्लावर है मान लीजिए, तो अगर अगर सन ईस्ट में निकलता तो इसका फेस पहले इधर इस साइड में रहेगा, ठीक। फिर धीरे जिस जैसे से घूमता जाए, जैसे सन आ गया वेस्ट में या हम दोपहर के टाइम, तो दोपहर में बिल्कुल सीधा यूँ हो जाएगा, फिर इस साइड घूम जाएगा। तो धीरे धीरे फ्लावर घूमता रहेगा, कभी इस साइड, फिर इस साइड, ऐसे करके ये पूरा घूम जाता है, जिस साइड में सन जाता है उस साइड में घूमता जाता है। तो इसीलिए इसको सन फ्लावर बोलते हैं, यानी सूरजमुखी हर समय ये मतलब घूम जाता है, इधर से उधर चला जाता है। फिर YELLOW, येल्लो। येल्लो मीन्स पीला, यानी सनफ्लावर जो होता है वो किस कलर का होता है? पीला, येल्लो कलर। LIKE, लाइक। लाइक मीन्स होता है पसंद। लाइक मीन्स पसंद, यानी कि हमें कोई चीज़ लाइक पसंद होती है ना कोई चीज़, तो उसको इंग्लिश में लाइक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में कहाँ से स्टार्ट है? राजा से। तो RAJA, राजा। IS, INN, TH, GARDEN, गार्डन। राजा इज इन द गार्डन। राजा गार्डन यानी बगीचा, गार्डन मीन्स बगीचा। राजा बगीचा में है, गार्डन में बगीचा। फिर RANI, रानी। IS इज रानी इज। INN, TH द रानी इज इन द GARDEN, गार्डन। TOO, टू, टू मीन्स भी। तो रानी भी, और रानी के बाद तुरंत भी आ गया, रानी भी बागीचे में है,
रानी भी बागीचे में है, ठीक है। टी एच ई आर ई देयर, ए आर ई आर, एम ए एन वाई मैनी, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स, आई एन एन टी एच द जी ए आर डी ई एन गार्डन। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर मीन्स वहाँ, वहाँ अब यहाँ से शुरू होगा, वहाँ बागीचे में बहुत सारे फ्लावर यानी फूल हैं। वहाँ बागीचे में बहुत सारे फूल हैं, ठीक है। आर ए जे ए राजा, एच ए एस हैज, अ एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, आई एन एन एच आई एस हैज, एच ए एन डी हैंड। राजा हैज अ फ्लावर इन हिज हैंड, यानी राजा, राजा के हाथ में, या राजा के हाथ में हिज हैंड मतलब राजा के हाथ में एक फ्लावर है, राजा के हैंड में एक फ्लावर है ना। आई टी इट आई एस इज अ एस यू एन सन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। इट इज अ सन फ्लावर, यह सनफ्लावर है। टी एच ई द एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर सनफ्लावर। आई एस इज वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, द सनफ्लावर इज येलो, यानी ये जो सनफ्लावर है ये येलो कलर का है। डी ओ डू वाई ओ यू डू यू एल आई के ई लाइक एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा। तो डू यू लाइक फ्लावर्स सेज एस ए वाई एस सेज आर ए जे ए राजा सेज राजा। राजा ने कहा, सेज राजा नहीं, राजा ने कहा डू यू लाइक फ्लावर्स, क्या तुमको, अब क्वेश्चन मार्क लगा ना तो मैं आप क्या बोलेंगे, क्या तुमको फूल पसंद हैं, क्या तुमको फूल पसंद हैं। यस वाई ई एस यस एस ए वाई एस सेज आर ए एन आई रानी। यस सेज रानी, रानी ने कहा हाँ। आई एल आई के ई लाइक एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स, आई लाइक फ्लावर्स, हाँ रानी ने क्या कहा, हाँ मुझे फूल पसंद है, है ना। तो अब ऊपर से फिर से एक बार रीडिंग करते हैं और इसकी हिंदी भी साथ साथ बताते जाएंगे हम, तो अब जल्दी जल्दी थोड़ा रीडिंग करेंगे। राजा इज इन द गार्डन, राजा बागीचे में है। रानी इज इन द गार्डन टू, रानी भी बागीचे में है। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, वहाँ बागीचे में बहुत सारे फूल हैं। राजा हैज़ अ फ्लावर इन हिज हैंड, राजा के हाथ में एक फूल है। इट इज़ अ सनफ्लावर, या एक सनफ्लावर है। द सनफ्लावर इज येलो, सनफ्लावर येलो कलर का है। डू यू लाइक फ्लावर्स सेज राजा, राजा ने पूछा क्या तुम्हें पसंद, फूल पसंद है। यस सेज रानी, रानी ने कहा हाँ आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद है। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम रीडिंग करेंगे, लेकिन इस बार हम हिंदी नहीं बताएंगे, सिर्फ इंग्लिश रीडिंग करेंगे, ठीक है। इस बार ट्रांसलेट नहीं करना है, तो मेरे साथ साथ बोलेंगे सब लोग। राजा इज इन द गार्डन, रानी इज इन द गार्डन टू, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। राजा हैज़ अ फ्लावर इन हिज हैंड, इट इज़ अ सनफ्लावर, द सनफ्लावर इज येलो। डू यू लाइक फ्लावर्स सेज राजा, यस सेज रानी आई लाइक फ्लावर्स। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको पीडीएफ में बना के सेंड करूँगी, तब आप लोग उसको अपनी अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है।
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।